नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये हमारा छठवां वीडियो है। इससे पहले जो है सामान्य विज्ञान के जो है 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं। आपके NTPC और ग्रुप डी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसका यह कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस बात को देखिए कि जीवाणुओं का युक्त पदार्थ जो है सशक्तिकरण की एक प्रक्रिया है। तो क्या है, जीवाणु को निष्क्रिय करना, ठीक है। तो जीवाणु को निष्क्रिय करना क्या कहलाता है, ये होता है युक्त पदार्थ जो होता है, जीवाणु युक्त पदार्थ का सशक्तिकरण जो है ये प्रक्रिया होती है, इसमें जो है जीवाणु को निष्क्रिय किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूध के से दही का रूप में जमने का क्या कारण है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जीवाणु है ये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, तो कॉर्टिकोल्स जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग से जैसे चट्टाने पर उगने वाली कवक, ठीक है, जैसे पानी में उगने वाली कवक, इस प्रकार से तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक याद रखना है कि वृक्षों की छालों पर जो कवक आप देखते हैं जो हरे रंग के होते हैं वो जो है कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है, ठीक है। तो इसके बीज जो खुजली का रोग होता है वो किसके कारण से होता है, कवक के कारण से होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने हैं, तो ठीक है। तो कवक और शैवाल से बनने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन किसके सूचक होते हैं, ठीक है, मतलब वायु प्रदूषण। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जहाँ पर लाइकेन के पौधे जो उगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ का एरिया जो है बहुत ही प्रदूषित है, वहाँ पर वायु का प्रदूषण ज़्यादा है, ठीक है। अगला देखिए, जड़ के जो स्थान पर मूल भास किस में पाया जाता है, तो ब्रायोफास्ट जो होता है, ठीक है, ब्रायोफास्ट होता है, इसमें जो होता है मूलभास पाया जाता है, किसमें, जड़ के स्थान पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो जो ये टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के जो पौधे होते हैं इसमें जो है सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, सॉरी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवित जीवाश्म है, ठीक है। तो जीवित जीवाश्म होता है वो साइकस कहलाता है, ठीक है, साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, श्वसन मूल जो है किस पौधे में पाई जाती है, ठीक है। तो श्वसन मूल जो है जूसिया नामक पौधे में पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, साबूदाना किससे प्राप्त होता है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो साइकस के पौधे से जो है साबूदाना प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, ठीक है। तो आलू जो है एक जड़ नहीं है, ये जो है तना का रूपांतरित जो रूप होता है, ठीक है, आलू जड़ नहीं होती, तना होता है, ठीक है। अगला देखिए, स्तंभ मूल होती है, ठीक है। तो स्तंभ मूल जो होती है वो अपास्थानिक जड़ें कहलाती है, ठीक है। जैसे स्तंभ मूल में कहना चाहिए, आप देखिए स्तंभ मूल में जो गाजर मूली जो इसके स्तंभ होते हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं, अपास्थानिक जड़ें कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए, जड़ें किस भाग से विकसित होती है, तो मूलांकुर से जो है जड़ें विकसित होती है। अगला देखिए, गाजर एक प्रकार का क्या है, तो गाजर एक प्रकार का जड़ है, ठीक है, जो किस प्रकार की जड़ है, अपस्थानिक जड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, ठीक है। तो प्रकंद कहलाता है हल्दी के पौधे का, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो बायोलॉजी तीनों जो सब्जेक्ट है आपके, उसके पूरे क्वेश्चन आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, डेली का वीडियो देख लीजिए, आपका जो विज्ञान का पोर्शन तो आप यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो तने का जो परिवर्तित रूप होता है प्याज, है ना, आपको याद रखना है। अगला देखिए, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर जो है की रहती है, 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो औसत वोल्ट जो है ये प्रदर्शित करता है, मतलब कम से कम, मतलब एक औसत जो है 220 वोल्ट रहना चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर कम हो सकती है, ठीक है। अगला देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो नाभिक की अगर मैं बात करिए, परमाणु यहाँ पर इस प्रकार से बनता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर गमन करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर ये देखिए, जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, और यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है इसमें प्लस आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो है माइनस आवेश होता है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर शरीर रचना के किस वर्गीकरण में जो है लॉबस्टर समृद्ध होता है, ठीक है। तो क्रस्टेशियन जो होता है, ठीक है, क्रस्टेशियंस जो होता है, इसमें शरीर की रचना में जो वर्गीकरण में जो होता है लॉबस्टर संबंध होता है, ठीक है।
अगला देखिए क्या है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, तो चना एवं दलहन। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था तो बताया था, जो दाल वाली फसलें होती है, ठीक है, मूंगफली हो गया, चना हो गया, ठीक है, ये जो फसलें होती है इनमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, ठीक है, मतलब उसके पौधे की जड़ में जो है एक जीवाणु होता है जो नाइट्रेट के रूप में जो वायुमंडल से जो है नाइट्रोजन ग्रहण करता है और नाइट्रेट के रूप में जो है बदल देता है, ठीक है, नाइट्रोजन के रूप में। अगला देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है, तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, ठीक है। फ्यूज इसलिए लगाया जाता है, देखिए जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको समझाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका घर हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो मीटर लगा होता है, तो यहाँ पर जो बाहर से तीन वायर आते हैं, ठीक है, दो वायर जब आते हैं तो यहाँ पर फ्यूज लगा दिया जाता है, और फ्यूज में जो है ये कमजोर वायर लगा दिया जाता है, ताकि अगर इधर से वोल्टेज अगर ज़्यादा आए, ठीक है, इधर से अगर वोल्टेज ज़्यादा आता है तो यहाँ पर जो है घर की सर्किटों में जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यहीं से फ्यूज जो है कट जाता है और यहाँ पर लाइट नहीं आ पाती, इसलिए जो है किसी हानि का जो है मतलब कोई हानि नहीं हो पाती, ठीक है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक होती है ये पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। तो इनको जो है मतलब परा जो जेट विमान होते हैं ये यहाँ पर जो है ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चमगादड़ वगैरह जो है ये सुन लेते हैं ये ध्वनि पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। अगला देखिए, भूस्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है, तो 24 घंटे जो है ये मतलब पृथ्वी के बराबर में ही घूमते हैं, जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं जैसे पृथ्वी है तो इसके 3600 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये स्थित होते हैं, और जो देश की पूरी निगरानी करते हैं कि कोई सैटेलाइट क्या कर रहा है, मतलब कोई विमान तो हमारे देश की सीमा पर नहीं आया, बाकी सब चीज़ें जो है यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है इसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, ठीक है। एक किलो चीनी का भार क्या होगा, तो समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो समुद्र तल पर जो है एक किलो चीनी का भार जो है सर्वाधिक होगा, यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे तो आपको ऑप्शन निकाल के जो है बताना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का जो है मात्रक है, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आज हमने कंप्लीट किए महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, प्रत्येक वीडियो में हम 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करते हैं, ऐसे ही हम तो लगभग 1000 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके एनटीपीसी एग्जाम से पहले तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, एग्जाम के एक माह पहले आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।